भाई हुए 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 व्यू चेक करो भाई, ये व्यू है यहाँ से होटल का। यार इन लोगों की तो हालत खराब हो गई बलते जाने में, क्या करेंगे ये लोग बाकी पूरे टूर पे। नीचे नहीं बैठना, ले जाओ खींचते हुए ले जाओ, ऐसे तो नहीं चढ़ेंगे, जबरदस्ती ले जाओ इसको। हाँ आप दोनों शर्म करें, आप लोग से चढ़ा नहीं जा रहा, मतलब मोटिवेशन है आपके लिए ये। माशाल्लाह माशाल्लाह, अंकल वरना अंकल अभी तक ऊपर होते, ऊपर से हाय कर रहे होते अभी आंटी को। आप पहले खुद तो चढ़ जाएं, उनका हाथ बाद में पकड़िएगा। ये क्या क्या चल रहा है भाई ये। अभी यहाँ से थोड़ा सा मजीद ऊपर और वो रहा फोर्ट, तो अभी जो है हम फाइनली ऊपर जा रहे हैं यहाँ से। सर बचा के भाई, तो ये जो है फोर्ट आ गया फाइनली। जितने भी हमारे यहाँ पे मौजूद मेहमान आते हैं लाजमी है थोड़ा सा इसके लिए के बारे में इंट्रोडक्शन कराते हैं, उसके बाद आराम से आप मेहमानों को रूम बाय रूम टूर की तरफ पे लेके जाएंगे। सतह समंदर से बात करते हैं तो इस टाइम मेरे मौजूद मेहमान करीबन 2500 मीटर तक पहुँच चुके हैं, अपना बल्तित में है। पुराने ज़माने में से गिलगित बल्तिस्तान में छोटे छोटे खुद मुख्तार रियासतें पाई जाती थी जिनमें से हुंजा भी एक अलग रियासत है। हुंजा की बात करते हैं ये गिलगित के आसपास से शुरू होकर आगे खुंजरा पास तक जाते इस पूरी वैली को हुंजा कहते हैं। हुंजा के बड़े जो हुक्मरानी करते थे अभी तक हुंजा के रहने वाले लोग इन्हें मीराने हुंजा कहते हैं। मीर एक फारसी लफ्ज़ है, मीर का जो मतलब होता है वो प्रिंस ही होता है। ज़्यादातर रियासत के जो हुक्मरान होते थे वो अपनी हिफाजत अपने रहन सहन के लिए से छोटे छोटे किले तामीर करते थे, पर हुंजा में जो हुक्मरान थे इन्होंने दो, पहले किला आलतीत के 100-200 साल बाद आके किला बालतीत रहना शुरू करते थे। किला आलतीत जो है वो कोई 1000 साल पुराना किला है और जिस किले में आप मौजूद हैं किला बालतीत कहते हैं। किला बालतीत 800 साल एक ही टाइम में किला बालतीत बेसिकली तामीर नहीं हुआ, इन 800 सालों में इस किले से काफ़ी हुक्मरान गुजर चुके हैं, तो उन लोगों ने अपने टेस्ट के मुताबिक इस किले में एडिशंस करते गए। किला 1945 तक यहाँ के हुक्मरानों के ज़ेर इस्तेमाल रहा, फिर 1945 में जो हमारे पास प्रिंस थे मीर मोहम्मद जमाल ख़ान उन्होंने इस किले को छोड़ के यहाँ से एक नया महल चले गए थे जो करीमाबाद में है, आज के इनके फैमिली पैलेस में रहते हैं। 1945 से लेकर 1990 तक ये किला बिल्कुल खाली रहा, कोई 45 साल के लिए इस किले की मुमकिन देखभाल न होने की वजह से रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही थी। तब इस किले को सीरियस उस टाइम प्रिंस करीम आगा खान की तरफ से लिया गया था। प्रिंस करीम आगा खान की बात करते हैं तो कोई ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं है, यह प्रिंस ऑफ हुंजा का रह चुका है। मौजूदा हमारे पास जो प्रिंस ऑफ हुंजा जो है वो मीर गज़नफर अली खान है जो गिलगित बल्तिस्तान का एक्स गवर्नर भी रह चुका है। उनकी फैमिली ने अपने मलकियत पब्लिक के नाम पे डोनेट कर चुके हैं, ये किला प्रॉपरली पब्लिक प्रॉपर्टी है और एक पब्लिक ट्रस्ट किले की देखभाल करे जिन्हें हम BHT कहते हैं, बल्तीत हेरिटेज ट्रस्ट। फाइनली इस किले की रेनोवेशन मुकम्मल होने के बाद इस किले की ओपनिंग के लिए 29 सितंबर 1996 को उस दौर का जो हमारा प्रेजिडेंट था इज एक्सलेंसी फारूक अहमद खान लगारी आए थे, प्रिंस करीम आगा खान थे, कोई 20-22 ममालिकों के एम्बेसडर आकर इस किले की ओपनिंग कर चुके हैं। अब किले को इसी तरीके से इस किले को ज़िंदा रखने के लिए हमारे पास कोई और ज़रिया नहीं है, बस यही मौजूद मेहमानों के टिकट इस किले के वाहिद ज़रिया होने के नाते हम अपने मेहमानों से एंट्री टिकट फ़ीस की शक्ल में कुछ कंट्रीब्यूशन कराते ताकि इस किले को मज़ीद और हम ज़िंदा रख सकें। आप मेहमानों के किला बालतीत आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली आपके कंट्रीब्यूशन के लिए, और थैंक्स फॉर लिसनिंग मी। थैंक्स लेते थे। अगर टैक्स की बात करें वो गंदम अनाज की शक्ल में टैक्स लिया करते थे, छोटे छोटे गोडाउन में फोन करके रखा करते थे। इसके नीचे से कहीं से निकालने का कोई जरिया नहीं है, यहीं से ज़रूरत के मुताबिक CD रस्सी की मदद से किसी बच्चे को बेचते थे और फिर बच्चे की मदद से यहाँ से बाहर लेकर आते थे। छोटे रखने का एक फ़ायदा मंद ये होता था कि यहाँ से कोई आसानी से चोरी नहीं कर सकता है, सिक्योरिटी के लिहाज से दरवाजे छोटे रखते थे। एक नहीं हमारे कालीन्स के नीचे मजीद और 6 स्टोरेज मौजूद थे, तो इसको मिलाते हैं तो ये हमारा 7वां गोदाम है जहाँ पे गंदम अनाज स्टोर करते थे। लोग प्रिंस ऑफ हुंजा को टैक्स पेयर थे, गंदम अनाज की शक्ल में जो देते थे वो कुछ इसी टाइप के पैमानों में दिया करते थे।
एक डेगची है, हांडी वगैरह पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे। जीन पुराने जमाने में हुंजा के जो लोग होते थे वो बोटी ज्यादा इस्तेमाल करते थे। सामने हुंजा का कदीम हथियार है, तीर कमान की हिफाजत शिकार के लिए इस्तेमाल किया करते थे। आराम से आगे रूम बाय रूम चोर की तरफ चले जाएंगे, तो प्लीज प्लीज अपने सिरों का ख्याल कर लेना। दरवाजे छोटे रखने का असल मकसद हुंजा बेसिक एक इलाका है, रूम टेम्परेचर को मेंटेन रखने के खातिर दरवाजे छोटे रखते हैं। एक ही टाइम में एक ही बंदा आ सकता है, तो दुश्मन को रोकने में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं। तीसरा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पे इस महल में कोई भी आ जाए वो एहतरामन सर झुका के भी आ सकते हैं, फॉर द रिस्पेक्ट एंड लॉस। हम आगे बढ़ेंगे, जिस कमरे की तरफ मैं अभी लेके जा रहा हूँ वो पुराने जमाने का एक हवालात है, जो भी राजा के साथ बगावत करते थे। जिस दरवाजे से हम इंटर होने जा रहे हैं उसी दरवाजे से सीढ़ी रस्सी के में उसने नीचे उतारते थे और सीढ़ी रस्सी के में उसने बाहर लेके चले थे, कराते थे। हमने वहाँ पे ग्रिल्स बिछा कर रखे हुए, हमने अपने मेहमानों को अंदर में जाकर टूर कराने के लिए जो खुद अंदर आके हमारे साथ नीचे छोटे छोटे सेल्स देख सकें किस टाइप के वहाँ पे सेल्स बने हुए। हमने वहाँ पे जो स्टील बिछा कर रखे हमने खुद उड़के, और तब कुछ भी नहीं होते थे। तो सर का ख्याल रखें, आराम से मुझे फॉलो कर लेना प्लीज। यार ये था शॉर्ट इंट्रोडक्शन, और उसके बाद जो है मतलब ये आपने देख लिया जो स्टोरेज के लिए इन लोगों ने बनाई हुई थी जगह पूरी, वो भी दिखा दी है। उसके बाद ये तीर कमान वगैरह, अभी जो ये सेल्स दिखा रहे हैं, तो यहाँ से जो है रास्ता है सेल में जाने का, जहाँ से कैदियों को लेके जाया जाता था। और ये इस तरह का नहीं था जैसे उन्होंने बताया अभी, कि पहले जो है वो रस्सी के जरिए उन्हें नीचे छोड़ा जाता था और रस्सी के जरिए उठाया जाता था, मतलब नीचे डेप्थ में। लेकिन अभी इन्होंने रास्ते बनाकर वहाँ तक हमें इस रास्ते से जाना है। यार नीचे तो देखो ज़रा, चलो जी चलो 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 चलो। सिक्योरिटी गार्ड वो भी यहाँ से बाहर भी देखा करते थे, उसे फिर कैदियों के ऊपर नजर रखने के लिए इस्तेमाल करते थे। वक्त के साथ चेंज कर लिया रूम को, हमने ड्रेसिंग रूम की शक्ल दे दिया है। पहला मेरी तरफ जो ड्रेस रखे हुए, ये प्रिंस ऑफ हुंजा के है, जो इन्हें चाइना से गिफ्ट मिल चुके थे। हुंजा का चाइना के साथ ताल्लुक बहुत ज़्यादा अच्छे ताल्लुक, कोई 400 साल पुराने रिलेशन हमारे 16th century से, क्योंकि हम जरूरत की चीज़ें जो होते थे यहाँ से आगे बढ़ के यहीं से ही लेकर आते थे, जिनके साथ हमारे रिलेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रह चुके हैं। प्रिंस ऑफ हुंजा स्पेशल इवेंट्स में जैसे शादी ब्याह हो खास इवेंट पर इस्तेमाल करते थे। दरमियान में जो बाइक के साथ ड्रेस रखे वो यहाँ के मुकामी खवातीन के हैं, पुराने जमाने में जो हुंजा की खवातीन होते थे उस टाइप के लिबास इस्तेमाल करते थे। तीसरा जो रखे हुए हैं वो प्रिंस ऑफ हुंजा, यानी कि हुंजा के हमारे जो ट्रेडिशनल लिबास जो है वो इसी टाइप के लिबास इस्तेमाल किया करते थे। प्लीज सर का ख्याल रखिएगा, इस किले के सारे दरवाजों में हम सबसे छोटे दरवाजे क्रॉस करने जा रहे हैं, और जिस कमरे की तरफ जा रहे हैं ना प्रिंस ऑफ हुंजा के पार्लियामेंट हाउस जा रहे हैं। अच्छा ये जो है नज़र रखने के लिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ अंदर नहीं हो गए, नज़र रखने के लिए इन्होंने बनाई हुई है ये सारी विंडोज़ जो है ना, तुम कह रहे थे यहाँ से भागना जाए कुछ, तो ये बेसिकली सिक्योरिटी रूम था, और यहाँ पे जो गार्ड्स वगैरह यहाँ से पूरी सिक्योरिटी करते थे इस प्लेस की। तो देखते हैं चलें, यहाँ चलते हैं पार्लियामेंट हाउस की तरफ। यार तो ये डोर है, अबे भाई इसकी तो हाइट ही नहीं है भाई, ये हाइट है जो मेरा हाथ आपको दिख रहा है, और ये इतना सही डोर है, इसमें से बिल्कुल बैठ के गुजरना है। तो ये इस तरफ से दिखाते हैं ना दरवाज़ा कितना है, ये दरवाज़ा है, तो इस डोर के थ्रू यहाँ पर आएंगे। हाँ जी प्लीज़ तो जो फरमाते हैं बाहर कमरे के बारे में, पहले ही हम आपको बता के आए हैं पार्लियामेंट हाउस, चलो छोड़ लेते हैं आज पार्लियामेंट इसको नहीं कहते, इस कमरे को अपना ओरिजिनल नाम के लिए अगर देख लेते हैं तो प्रिंस ऑफ हुंजा बेचारे को क्या पता था पार्लियामेंट क्या होता है, असेंबली हॉल क्या होता है, कि यहाँ पर ब्रिटिश आने के बाद ब्रिटिश ने ये सारी चीज़ें हमारे छोड़ के चले गए थे। प्रिंस ऑफ हुंजा इस कमरे के जो नाम देते थे इवान मजलिस शूरा, जहाँ पे अपनी मजलियों का साथ यहाँ पे दरबार लगाते, घर का मसला हो रियासती मसाइल हो वो यहाँ पे हल करते थे, बिल्कुल नीचे बैठते थे, मैट्रेस बिछाते थे, कुशन लगा के उनके साथ बिल्कुल गैदरिंग में रहकर रहा करता था। ये तक हमारे कल्चर हिसाब का जो लोग हम नीचे रहना पसंद करते हैं। ये प्यारा सा एक कारपेट जो रखे हुए, 150 साल पुराना कारपेट है जो चाइना से प्रिंस ऑफ हुंजा को गिफ्ट किया था। टेबल की जगह इस्तेमाल करते थे, वहाँ पे बर्तन रखने का इस्तेमाल करते थे। ये बाइक के साथ वहाँ पे जमीन के अंदर में से एक लैब जो जिसमें बैठे प्रिंस ऑफ हुंजा का तिजोरी है, जहाँ पे अपना कीमती जेवरात नीचे छुपा गए, और दूसरी साइड पे जरा तवज्जो फरमाते हैं तो वहाँ पे आपको मेटल के बर्तन नजर आ जाएंगे जो कश्मीर काश्तकारी इन एरिया से अपने साथ लेकर आते थे। प्लीज सर का ख्याल रखिएगा, जिस कमरे की तरफ हम जा रहे हैं प्रिंस ऑफ हुंजा के शाही बावर्ची हॉल, ये रॉयल किचन।
एकदम गोल घूम के वापस आ गए यहाँ से पूरा। वाह ये अच्छा था। आ जाए वेलकम वेलकम वेलकम। जी बिल्कुल हम वापस आ गए। हम यहाँ से एंटर हुए थे पूरा पीछे तक घूम कर और वहाँ से इस रास्ते से हम वापस आ गए। ये एंट्रेंस थी हमारी, ये स्टोरेज थी इनकी और आगे इस तरफ हमें जाना है बावर्ची खाने की तरफ। ये बावर्ची खाने का भी दरवाज़ा, ये भी वैसे ही सर बचा के निकलना पड़ेगा यहाँ से। जी तो जी फरमाते हैं प्रिंस ऑफ उन्जा के हम शाही बावर्चीखाने यानी कि रॉयल किचन में भी मौजूद थे। मेहमानों की तरफ जो बर्तन उसमें में रखे हैं ना, ये मेटल का मेटल थोड़ा सा हमारे तरफ इन एरियाज पे लेट आई है 16-17 सेंचुरी के बाद यहाँ पे मेटल आई है। उससे पहले ज़्यादातर यहाँ के जो मुकामी लोग होते थे वो स्टोन के डेगचियाँ इस्तेमाल करते जिनमें 3 चमचे रखे हुए आपको स्टोन के बर्तन नजर आ जाएंगे। गोल्ड सा जो रखे हुए हैं स्टोन ब्लैक पेन तवा रखा है चपातीस के लिए, उनके साथ गंदम मसाला पीसने के लिए इस्तेमाल करते थे। बड़े बड़े बर्तन जो आपको नजर आते हैं ये कद्दू के बर्तन हैं, इनमें इनको ड्राई करके इस्तेमाल करते थे पानी लाने के लिए, पानी रखने के लिए, लस्सी स्टोर करने के लिए। लकड़ी के जो डब्बा रखे हुए इसमें लस्सी बनाने के लिए। एक खाल है मेरे ख्याल से पंजाब से आप लोग इसको मश्कीज़ा जिनमें पानी लाने के लिए यूज़ करते या पानी रखने के लिए। कुछ चमचे हैं स्पेशल सूप या खुबानी की जूस पीने के लिए। इस किचन में एक मज़े की चीज़ मेरे ख्याल से देखने वाली जो चीज़ें लोगों ने रखी हुई है बिल्कुल छोटा सा लकड़ी का जो डब्बा रखा हुआ है ये चूहादानी है एज पर द माउस ट्रैप इज अ माउस किचन। रात को ज़्यादातर दिए जलाते थे, दिन को इसी तरीके से रोशनी का निज़ाम हर किसी रूम में रखते थे। कुछ रूम्स में हमने ऊपर जाकर एक्स्ट्रा रूम्स देखने हैं तो बन के हुए हैं, हर किसी रूम में क्रॉस वेंटिलेशन या स्काईलाइट लाजमी यूज़ कर लेते थे। मेहमानों के साथ सामने एक छोटा सा दरवाज़ा जो है यहाँ पर गोश्त खुश करके रखा करते थे। तो ये जगह थी जिन्होंने बताई जहाँ पर गोश्त खुश करके लोग रखते थे स्टोर करते थे ताकि ख़राब ना हो। और अभी चलते हैं आगे की तरफ। ये पूरा बावर्ची खाना आपने देख लिया है, मुझे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि मेरा ज़्यादातर काम जो है वो भाई ने कर दिया है। तो इन्हीं के वॉइस ओवर में आप ये वीडियो इन्जॉय करें और आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब किस तरफ जा रहे हैं हम? टेरेस पर जा रहे हैं अब हम लोग। यार व्यू चेक करें बस टेरेस का, मतलब इमेजिन करो यहाँ पर रहना, मतलब जिस तरह से ये रहते थे यहाँ पर भाई पूरी रॉयल फीलिंग्स आ रही हैं यहाँ पे। तो मतलब ये चेक तो करो, मूवीज़ में हम ऐसे ही देखते हैं कि किले के बाहर जो है वो इस किस्म का जो है वो पूरा आपको व्यू मिल रहा होता है और उसके साथ जो है और इस तरफ देखें इस तरफ भी पहाड़ी पहाड़ हर तरफ। दरमियान में जो सींग रखे हुए हमारे कौमी जानवर के हैं मारखोर के हैं, जो दो रखे हुए ये आईबैक्स के हैं। अभी आपके पास थोड़ा सा फ्री है जैसे आपके पिक्चर्स को होते हैं तो हमारे पास आधा टूर बाकी है, हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये जो टेरेस था टेरेस पूरा देख लिया है, आपको दिखा भी दिया पूरा व्यू वगैरह टेरेस का, उसके बाद आप कंटिन्यू करेंगे इस टूर को। प्रिंस शाह सलीम खान और रानी ऑफ हुंजा प्राइम डोनर बल्तित फोर्ट हुंजा। ये कमरा जो है ये प्रिंस ऑफ हुंजा का समर रिसेप्शन हॉल है, इनका मेहमान खाना है। फिर इसको चेंज करके कुछ तस्वीरों की शक्ल देके कन्वर्ट द पिक्चर गैलरी। दो किस्म के पिक्चर्स, इस पिक्चर से हम आगे की तरफ आते हैं उस कोने तक चले जाते हैं। तो ये हमारे हुक्मरान है जो इस किले में रहा करते थे और हुंजा के हुक्मरान के ऊपर हुंजा के लोगों के ऊपर हुक्मरानी किया करते थे। पहला पिक्चर जो है ये रियल नहीं, ये एक ख्याली तस्वीर है क्योंकि हमारे पास पिक्चर्स नहीं होते थे। फाइनली वी कलेक्ट द पोर्ट्रेट पिक्चर फॉर द मीर गजन खान अव्वल। इनका बेटा है मीर सफदर खान, दिसंबर 1891 में यहाँ पे ब्रिटिश आने में कामयाब हो गए थे। फिर 10 से 15 दिन फाइट करके चाइना चले गए, वहाँ पे नेशनलिटी ले लिया फैमिली के लिए।
छोटे भाई हंजा में होने के नाते इनके छोटे भाई को दोबारा पावर दे दिया मीर मोहम्मद अजीम खान। इनका बेटा है मीर गजन खान सेकंड, ब्रिटिश पीरियड में ये सब मेजर रह चुका है। उनका बेटा 1945 में इस किले को खैरबाद करके यहाँ से एक नया महल चले गए थे जो करीमाबाद में करंट प्रिंस ऑफ हंजा रहता है, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। ये किला इनके मलकियत होने के नाते इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी पब्लिक के नाम पे डोनेट किया, ये किला पब्लिक प्रॉपर्टी है। इनके वाइफ है रानी ऑफ हंजा और आखिर में इनका साहिबजादा जो है प्रिंस शाह सलीम खान, तीनों के तीनों हयात है। ये प्रिंस ऑफ हंजा के लिबास है उनके साथ और ये काफ़ी उम्र के हमें जवानी के पिक्चर्स लिखे हुए, ये माशाल्लाह 80 साल के होने जा रहे हैं। द प्रिंसेस इज 72 एंड द सन इज 46 नाउ। ये कुछ हंजा के रियासती झंडे हैं, यहाँ पे तीर कमान रखे हुए बहादुरी के निशान है, चांद तारे फॉर द मुस्लिम सिंबल, मुसलमान होने के पहचान रखे हुए थे। ऊपर एक खूबसूरत सा शीप है, इसको मार्को पोलो शीप कहते हैं, मार्को पोलो के इटालियन थे जिन्होंने अपने नाम दिया गया है। और छोटी उम्र में शिकार उसके सींग 3 टाइम टेरल लेट इज द बिग शीप ऑन द बिग हॉर्स। अब हम आराम से आगे बढ़ेंगे प्लीज। यार ये तो इन्होंने दिखाई नहीं शॉर्ट्स वगैरह। अच्छा यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह भी रखी हुई हैं और ये भी आप देख सकते हैं, ये जो है वो शील्ड्स भी रखी हुई हैं, साथ में जो है ये नाइफ है। रॉयल समर बेडरूम है, ऊपर लिखा भी है और यहाँ पे आपको मुस्तरी वेदर नजर आ जाएगा और यहाँ पे ड्राई वेदर है, नमी नहीं है, ठंड भी कुछ ज्यादा होती है और गर्मी भी हमारे पास एक्स्ट्रा बढ़ जाती है। तो इन लोगों ने गर्मियों के लिए ये खूबसूरत सा हवादार सा कमरा बनाया है और विंटर भी आपको लेके जाएंगे। कारपेट राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा कर रखते थे, तख्त के कवर की जगह पे ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है, डुप्लीकेट रखे हुए हैं ओरिजिनल प्रिंस ऑफ हंजा के घर पर होने के नाते फाइनल वीकेंड्स कॉपी। आप मेहमानों के बिल्कुल चारों तरफ खूबसूरत ज्यादा मुआदे चाइना और हंजा के दरमियान एक चाइनीज है, दूसरा जो जबान जो है वो फारसी, फारसी बरसगीर का पुराना ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये नीतिन मेरे ख्याल से हम सबके लिए अहमियत रहता है। प्रिंस ऑफ हंजा ने 3 नवंबर 1947 को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पर लेटर लिखा, मैं खुश हूँ, खुद मुख्तार हूँ और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हिस्से बनने जा रहा हूँ। तो प्रिंस ऑफ हंजा ने खुद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नाम पे लेटर लिखा था, मैं अपनी मर्जी से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ हिस्सा बनने जा रहा हूँ कहकर। बाहर से के प्यारा सा जो बालकनी नजर आते हैं जो नीचे पिलर्स के ऊपर खड़े हुए, फाइनली हम उस बालकनी तक पहुंच गए। ये भी एडिशन बहुत ज़्यादा लेट की है, 1915 से 1930 के दिनों पर लिखा गया था, सब बालकनी एडिशन ब्रिटिश पीरियड का ये एडिशन है। और साइड पे पिक्चर्स में वो छोटा सा बच्चे के जो पिक्चर, पहले पिक्चर में हमारे तरफ बिल्कुल ये हमारा करंट प्रिंस ऑफ हंजा है, एक्स गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान अपने वालिद के हमरा। दरमियान के पीछे में इनका वालिद है मीर ऑफ हंजा, इनके मुख्तरम वालदा वरानी ऑफ हंजा और उनके सिस्टर जो है प्रिंसेस ऑफ हंजा। हमारे पास एक और किला है, किला आलती थी जिससे उम्र के लिहाज से बड़ा है। लास्ट इनके मुख्तरम वालदा के किसी ने हाथ से पेंट के पिक्चर है। रानी साहिबा सन 2006 में इंतकाल कर चुकी है, 98 ईयर्स में। कमरे की बात करते हैं, बेसिकली बिल्कुल विंटर बेडरूम है, आपको कहीं सहलों में कोई खिड़कियाँ नजर नहीं आ जाएगी। आग लगा के दरवाजे को बंद करते थे, ये लंबी अरसे तक अपनी रूम को गर्म मेंटेन कर सकती है, हीट मेंटेन कर सकती है। ये छोटे से जो डब्बा रखे हुए जेवरात रखने के लिए, आज भी गिलगित बल्तिस्तान के मुकामी जो लोग हैं ऐसे जुले इस्तेमाल करते बच्चों को सुनाने के लिए, कुरान मजीद है, कुरान पाक है जो हाथ के लिखे कलमी नुस्खे मौजूद है 18, और दूसरा जो रखे हुए हैं ये 1700 के कलीम उसके मौजूद है। बड़े बड़े बर्तन इनमें स्पेशली सूप या खुबाने की जूस पे रहते, बर्तन कम होते तो फैमिली साथ इकट्ठे बैठ के एक ही बर्तन में साथ खाना खाते थे। अब में से कोई भी मेरे मौजूद मेहमान कुरान मस्जिद देखना चाहते ना, अब दोनों सड़क से आगे क्रॉस करके आराम से कुरान मस्जिद देख के अगले रूम में मुझे दोबारा ज्वाइन कर ले।
ये फोर्ट के बाहर का रास्ता, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, ये बाहर का व्यू फोर्ट का। चलिए यार, ऑलमोस्ट डन विद द विजिट, और अभी हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस। तो ये एंट्रेंस हमारी उस तरफ से थी आगे से, और ये हमारा एग्ज़िट है जहाँ से हम लोग एग्ज़िट कर रहे हैं। तो ये जो है, ये तोप यहाँ पर रखी हुई है, और इसी के साथ ये विज़िट यहाँ पर एंड होता है।